I don't have this food. I'm sad now. The thing is, I need something. The chapter number 1, that is input and output devices. In this chapter, we will study the various input and output devices. So, before starting what is input and output devices, I would like to tell you that what is computer system. A computer system performs three basic functions. First is input, second is processing, and third is output. Now, our computer system works with the help of hardware and software. What is hardware? It is a physical part of the computer. Iske do part hote hain. Hardware is divided into two part, that is input devices and second is output devices. And what is software? Software is a set of instructions that help hardware to work for the desired result. Now we will study what is input devices. The devices through which we enter data and instruction is known as input devices. First input device is keyboard. You can see here, this is a picture of a keyboard in which various keys are present. Some of the keys are typing keys, the keys which are shown with the help of yellow color. Those keys are known as typing keys. And these keys are also known as alphanumeric keys. इसमें सारे keys आते हैं जो आपके alphabet keys होते हैं, numeric keys होते हैं, वो सारे keys किसके अंदर आते हैं? Typing keys के अंदर आते हैं. Second क्या है आपका? Control key है. Control key के अंदर क्या आते हैं? Control button आता है, alt button आता है, ये सारे किसके अंदर आते हैं? Control key के अंदर आते हैं. Function key के अंदर क्या आते हैं? जैसे आपके F1, ये सारे जो keys हैं, ये कौन से होते हैं? आपके function key होते हैं. इसमें F1, F2, F3, F4 और further बहुत सारे keys होते हैं. उसके बाद क्या होते हैं आपके? Navigation key होते हैं. Navigation keys के अंदर कौन से keys आते हैं? Arrow keys आते हैं. और जो आपका होम एंड पेज अप डिलीट इंसर्ट ये सारी कीज किसके अंदर आते हैं आपके नेविगेशन की के आते हैं और लास्ट इज न्यूमेरिक की न्यूमेरिक कीज आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा ये जो ये ब्लू कलर के कीज है 1 2 3 4 जो आपके जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं वो सारे किस में होती हैं आपके न्यूमेरिकल कीज में होती हैं नाउ द सेकंड इनपुट डिवाइस इज माउस A mouse is a small pointing device having 2 or 3 buttons on its top. ठीक है जब आपको कीबोर्ड का यूज नहीं होता है जब आप कब कीबोर्ड का यूज नहीं कर सकते तो क्लिक करने के लिए आप किस डिवाइस का यूज करते हैं माउस का यूज करते हैं नाउ वी विल स्टडी द थर्ड इनपुट डिवाइस दैट इज स्कैनर इट इज अ डिवाइस दैट रीड टेक्स्ट और पिक्चर्स प्रिंटेड ऑन अ पेपर फोर्थ इज बारकोड रीडर द बारकोड रीडर इज एन इनपुट डिवाइस टू रीड प्रिंटेड बारकोड आप ये देख रहे हैं ये आपका प्रिंटेड बारकोड होता है और ये आपका बारकोड रीडर होता है जिससे जो भी आपके जब आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहां पे आपको ये बारकोडर रीडर देखने को मिलता होगा जो अब वो जहाँ बिलिंग करने जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपकी जो भी प्रोडक्ट होता है उसका ये इंफॉर्मेशन सारी बारकोड रीडर से आ जाती है और फिर आप आपका बिल आगे प्रोसेस करते हैं नाउ द नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज लाइट पेन द लाइट पेन इज यूज एज अ पेन लाइक अ पॉइंटिंग डिवाइस इट इज यूज टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन आप ये देख रहे हैं ये आपका क्या है लाइट पेन है ठीक है छोटे छोटे जो डिवाइसेस होते हैं उनमें आप किस चीज का यूज करते हैं लाइट पेन का यूज करते हैं और अभी आपकी जो स्मार्ट बोर्ड अब जो न्यू स्मार्ट बोर्ड आए हैं आप उसमें देखेंगे वहां पे भी आप लाइट पेन का यूज करते हैं और पॉइंट करने के लिए अलग अलग चीज पे आप इसका यूज करते हैं नेक्स्ट इज माइक्रोफोन माइक्रोफोन इज यूज टू रिकॉर्ड वॉइस म्यूजिक एंड साउंड इन टू अ कंप्यूटर अगर आपको आपकी वॉइस रिकॉर्ड करनी है म्यूजिक रिकॉर्ड करना है ठीक है या कोई भी अदर साउंड रिकॉर्ड आपको कंप्यूटर के अंदर करना है तो आप किसके यूज से करते हैं ये है माइक्रोफोन इसके यूज से आप करते हैं Now the next is touchpad. It is used instead of mouse in the laptop. आप लैपटॉप में देखते हैं इस टाइप का ये पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं टचपैड बोलते हैं और इसको हम किसमें यूज करते हैं लैपटॉप में यूज करते हैं Now we will study about output devices. अब output devices क्या होते हैं output devices are used to display the data into the computer and the result which we get after processing. Processing of data के बाद जो भी result होता है वो आपको किस पे दिखता है output devices पे दिखता है तो first output devices monitor. ये आप देख रहे हैं पुराने time पे जो monitor use होता था उसको हम क्या बोलते हैं CRT monitor बोलते हैं और जो अभी अभी के generation में use होता है उसको हम क्या बोलते हैं LED monitor बोलते हैं Second is speakers. It is used to listen the music. Music listen करने के लिए जिस output device use करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं speaker बोलते हैं
प्रिंटर, इट प्रिंट आउट द आउटपुट ऑन अ पेपर। प्रिंटर आपने देखा होगा आपके स्कूल में भी रहता है और अलग अलग शॉप्स में आप जाते हैं जैसे कुछ प्रिंट आउट निकलवाने के लिए, तो आप किस चीज का यूज करते हैं? प्रिंटर का यूज करते हैं। प्रिंटर भी कई तरीके के होते हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है वो किस तरह यूज वर्क करता है? टाइपराइटर की तरह यूज वर्क करता है, और वो इंप्रेशन जो जैसे टाइपराइटर में अगर आप टाइप करते हैं तो जिस टाइप के आपको लेटर देखने को मिलते हैं वो आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में भी वैसे ही देखने को मिलते हैं। और इंकजेट प्रिंटर स्प्रेज ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑन पेपर टू फॉर्म टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, जो ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक निकलते हैं तो आप जो भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स आपको पेपर पे चाहिए पड़ता है वो आपको इसके हेल्प से देखने को मिलता है। और नेक्स्ट इज लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में क्या होता है, लेजर बीम यूज होती है। जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है या जो भी आपने वर्क आपको प्रिंट आउट कराना है तो वो किसके हेल्प से प्रिंट होता है, लेजर बीम के हेल्प से प्रिंट होता है। नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इन शॉर्ट वी कॉल इट सीपीयू। ठीक है, तो जब आप इनपुट डिवाइसेस से अपना डेटा अपने कंप्यूटर में डालते हैं, इनपुट डिवाइस क्या आते हैं, कीबोर्ड या तो माउस से, फिर उसके बाद क्या होती है आपकी प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा होती है। यहाँ पे आपका प्रोसेसिंग होता है और फिर उसके बाद आउटपुट डिवाइस में आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। तो प्रोसेसिंग के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। मेमोरी यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और ALU। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। फर्स्ट इज मेमोरी यूनिट। दिस यूनिट स्टोर इन्फॉर्मेशन टेम्पररी और परमानेंटली अकॉर्डिंग टू अवर नीड। नेक्स्ट इज अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। दिस यूनिट परफॉर्म ऑल द अर्थमेटिक कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। जितने भी आपका कैलकुलेशन करते हैं वो सारे किसमें परफॉर्म होते हैं, ALU में परफॉर्म होते हैं। और कंट्रोल, थर्ड इज कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट वर्क लाइक अ ट्रैफिक पुलिसमैन एंड मैनेजेस ऑल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर के जो सारे ऑपरेशन होते हैं वो किसके हेल्प से होते हैं, कंट्रोल यूनिट्स के हेल्प से होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।